सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास इंग्लिश बुक, दैट इज चैप्टर नंबर 9, एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज यूज ऑफ दीस एंड दोस। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसका नाम है यूज ऑफ दीस एंड दोस। दीस और दोस का उपयोग, यूज मतलब उपयोग, ठीक है। अब दीस क्या होता है, दोस क्या होता है? दीस का मतलब होता है ये, ठीक है, और दोस्त का मतलब होता है वे। ठीक है, दीस का मतलब होता है ये, या पे एक ही मात्रा ये, और दोस्त का मतलब होता है वे, वा पे एक ही मात्रा वे। दीस जब कोई चीज पास की होती है, हमें कोई चीज पास से शो करनी होती है, पास में दिखानी होती है कि ये मुर्गी है, हम सब बचा के बताते हैं ये मुर्गी है, ठीक है, पास के लिए हम ये यूज करते हैं। दोस्त जब हमें कोई चीज दूर से दिखानी होती है, सपोज करो कि आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, आप अपने घर में बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, बाहर आपने देखा कि चार गाय हैं, तो आप क्या बोलोगे, वो गाय हैं, ठीक है। दूर की चीज दिखाने के लिए वे यूज करते हैं, और पास की चीज दिखाने के लिए, सपोज आप अपने रूम में बैठे हो और आपके बेड पर ही पेन है, तो आपने पेन उठा के बोला ये पेंसिल है, ठीक है, पास की चीज के लिए आपने बोला ये, और दूर के लिए आपने बोला वे। चलिए बच्चों, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, आपको आगे पढ़ के ये दीज और दोस में जो डिफरेंस होता है वो और क्लियर हो जाएगा। लुक एट द पिक्चर्स, जो नीचे पिक्चर्स दी हैं इनको देखो, एंड लर्न द यूज ऑफ दीज एंड दोस। उसके बाद दीज और दोस का यूज उपयोग याद करो। चलिए नीचे देखिए, ये बहुत सारे मैंगोज हैं, ठीक है, ये बहुत सारे बुक्स हैं, ये बहुत सारी हैं, जो बॉय है वो इनके पास में है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दीज आर मैंगोज, दीज आर ऑरेंज, ये क्या है, ऑरेंजेस। जब बहुत सारे ऑरेंज है, 1, 2, 3, इसलिए हमने क्या लगाया, ऑरेंजेस। अगर एक ऑरेंज होता तो हम क्या लगाते, ऑरेंज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। सेम तरीके से याद रखना, जो दीज और दोस है, जब भी बहुत सारी चीजें होती हैं उनको दिखाने के लिए हम दीज और दोस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो उन्हें बताने के लिए हम दीज और दोस का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब मैम, अगर हमारे पास एक चीज होगी तो हम क्या यूज करेंगे, तब हम दिस या फिर डेट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, 1, 2, 3, तीन बुक्स हैं, तो बुक के आगे हमने क्या लगाया, एस लगाया, इसलिए हमने क्या यूज किया, दीज यूज किया। यहाँ पे हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 3 हैं है, तो हैं के आगे हमने क्या लगाया, एस, मतलब हैंस, मुर्गियां, और इसको यूज, ये बहुवचन हो गया, मतलब ये बहुत सारे हो गए, तो हमने क्या यूज किया, दीज यूज किया। सेम तरीके से यहाँ पे एक बुक होती तो हम क्या यूज करते, डेट यूज करते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बुक है, एक से ज्यादा बुक है, तो बुक के सामने हमने क्या लगाया, एस लगाया, इसीलिए हमने क्या यूज किया, दोज यूज किया। सेम तरीके से यहाँ पे गॉट है, ठीक है, गॉट में बहुत सारी गॉट है, बहुत सारी बकरी है, तो हमने क्या लगाया, एस लगाया, और हमने क्या यूज किया, दोज यूज किया। तो सिंपल सी बात ये है कि हम दीज और दोज बहुवचन के साथ यूज करते हैं। दीज और दोज हम यूज करते हैं जब हमें एक से ज्यादा चीजों को दिखाना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको और चैप्टर क्लियर करती हूँ, यहाँ पे पढ़िए, दीज आर ऑरेंजेस, ये संतरे हैं, संतरे कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो हमने क्या यूज किया, ये, और जो बॉय है वो इसके पास में ही है, तो उसने क्या बोला, ये संतरे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अमरूद है, ठीक है, तो उसने क्या बोला, अमरूद, बहुत सारे अमरूद हैं। दोस आर गवावास, वे अमरूद हैं, मतलब यहाँ पे जो लड़का होगा वो इससे दूर होगा, ठीक है, इसीलिए उसने क्या बोला, वे अमरूद हैं, वो अमरूद हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 बुक्स हैं, तो उसने क्या बोला, बुक्स, तो ये जो लड़का है वो बुक के पास में है, तो क्या बोल रहा है, दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं। और यहाँ पे जो बॉयज है, ये देखो बुक से दूर है, तो ये क्या बोल रहा है, दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं, ठीक है, बुक्स मतलब किताबें।
अगर एक बुक होती तो किताब, बहुत सारी बुक है तो क्या हो गया, किताबें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से ये हैं मुर्गियों के पास में है तो हम इसे क्या बोलेंगे, दीज आर हैंस, हैंस यानी मुर्गियां। अगर एक मुर्गी होती तो हम क्या बोलते, मुर्गी, लेकिन बहुत सारी तो क्या बोलेंगे, मुर्गियां। और यहाँ पे ये बॉयज इनको दिखा रहा है और इनके पास में है तो क्या बोलेंगे, ये मुर्गियां हैं। यहाँ पे जो बॉयज है वो इनसे दूर है, जो ये लड़का है, जो बॉय है, जो लड़का है वो इससे दूर है, तो वो क्या यूज कर रहा है, दोज, वे, आर यानी है, गॉट यानी बकरियां, वे बकरियां हैं। ठीक है, चलिए अब जो जो बातें आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था दीज इज यूज फॉर द प्लूलर नाउन नियर बाय, दोज इज यूज फॉर द प्लूलर नाउन एट अ डिस्टेंस। दोबारा से, जो दीज है, जो ये है, वो प्लूलर नाउन के साथ मतलब बहुवचन के साथ यूज होता है, मैंने बताया था बहुत सारों के साथ यूज होगा दोस्त, दीज। सेम तरीके से दोस्त भी बहुत सारों के साथ यूज होगा, लेकिन दीज हम यूज करेंगे जब कोई चीज हमारे पास में होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो बॉयज बॉय था, जो लड़का था, वो ऑरेंज के पास में था तो उसने यूज किया दीज, और यहाँ पे जो लड़का है वो गवावस से दूर है, ठीक है, तो उसने यूज किया दोस्त। लेकिन दोनों केस में ही जो हमारे नाउन है, मीन्स हमारे पास जब बहुत सारी चीजें होंगी, एक से ज्यादा चीजों के लिए दोनों चीज हम यूज करते हैं, दीज और दोस्त दोनों हम एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। जब हमें एक से ज्यादा कोई चीज बतानी होती है तो हम दीज और दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज फिल करनी है कि यहाँ पे दीज आएगा या फिर दोस्त आएगा। अब देखो, जो ये बॉय है ये इन कबूतरों के पास में है तो हम क्या यूज करेंगे, दीज। ठीक है, और कबूतर बहुत सारे हैं तो क्या यूज कर दिया, पीजन के आगे हमने एस लगा दिया, पीजन्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दीज। ठीक है, हमने लिखा दीज। सेम तरीके से यहाँ पे ये जो डॉग है ये बॉय से दूर है तो हम क्या यूज करेंगे, दोस, यानी वे, वे कुत्ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बॉय है वो इन चिड़ियाओं के, बर्ड के पास में है तो हम क्या यूज करेंगे, दीज। दीज मतलब ये चिड़िया है। यहाँ पे गॉट, जो बकरी है, वो बॉय से दूर है तो हम क्या यूज करेंगे, दोज, दोज आर गॉट्स, वे बकरियां हैं, ये चिड़िया हैं। यहाँ पे बनाना दूर है तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, दोज आर बनानास। यहाँ पे किताब जो है वो इनके पास में है, दीज आर बुक्स, दोज आर पेन, दीज आर एप्पल, दीज आर क्रोकोडाइल, दोज आर मैंगोज। ठीक है, ऐसे आपको ये भरना है। ठीक है, यहाँ पे दीज, यहाँ पे जो पास में है उसके लिए हम दीज का इस्तेमाल करेंगे और जो दूर है उसके लिए हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोबारा से, अगर कोई चीज हमारे पास में है तो हम उसको दिखाने के लिए दीज यानी ये का इस्तेमाल करेंगे, कोई अगर हमसे दूर है तो हम उसके लिए दोज यानी वे बोल के उसको वे यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, जैसे ये चिड़िया है, वे बकरी है, ये बनाना है, केला है, वे किताब है, किताबें हैं, ये कलम है, ये सेब है, ये क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ है, वे आम है। ठीक है, ऐसे करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये फिर जो एक्सरसाइज है ये आप खुद भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, दीज का मतलब होता है ये, दोस्त का मतलब होता है वे, दीज पास की चीज दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और दोस्त दूर की चीज दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फार डिस्टेंस के लिए, पर दोनों ही बहुवचन में यूज होती है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा चीजों को हमें दिखाना है तो हम यूज करेंगे दीज, अगर एक चीज को दिखाना होता तो क्या यूज करते, दिस, पर एक से ज्यादा दिखानी है तो क्या यूज करेंगे, दीज। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।